बीते 8 दिनों से एक आदिवासी बालिका के गायब होने से आदिवासी समाज गुस्से में है। नाराज लोगों ने देवास के सतवास पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आदिवासी समाज बालिका को ढूंढने के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देके आया है। आदिवासी समाज का कहना है कि इसके बाद उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देवास जिले के सतवास थाना अंतर्गत पीपल कोर्ट से एक आदिवासी बालिका के गुम हो जाने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने सतवास थाने के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सतवास थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पीपल कोर्ट की बालिका पिछले एक सप्ताह से घर नहीं पहुंची है। बालिका 14 दिसंबर को सतवास के शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आई थी, किंतु शाम को वापस नहीं पहुंची। पुलिस थाने में बालिका के पिता द्वारा आवेदन देकर सूचना भी दी गई, किंतु पुलिस आज तक उस बालिका की कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस बालिका की जानकारी नहीं जुटा पाती है तो समाज के लोगों द्वारा नगर बंद किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पीपलकोटा की एक बालिका जो अभी लापता है, 8 दिन हो गए हैं मगर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई या कोई सबूत नहीं मिला। कहाँ है, जीवित है, कहाँ है वो लड़की। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह हत्याकांड हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बालिका को पता चले कि वास्तविकता में भी वो जीवित है या नहीं। तो इसलिए हमें पुलिस के ऊपर थोड़ा सा वो लग रहा था कि पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही। इसको लेकर आज हमने कल तक की मोहलत दी है कि सर्व समाज की ओर से कि अगर कल 22 तारीख 22/12/2023 शाम तक अगर बालिका को अगर पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ पाती है तो हम 23/12/2023 को उग्र आंदोलन चक्का जाम थाने का घेराव करेंगे, जिसमें समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बेटियों को बेटियाँ असुरक्षित है, पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है बालिका। 8 दिन होने के पश्चात एक माता पिता हर एक घर में बालिका होती है, तो सभी को कहीं ना कहीं एक भय और डर का माहौल लग रहा है कि वास्तविकता अगर हमारी बालिका अगर घर से निकलेगी तो कहीं कहीं हमारी बालिका गुम ना हो जाए। ये दिनांक 14/12/2023 की बात है। एक बच्ची जो पीपल कोटा में निवासरत थी और कॉलेज में यहाँ सतवास में पढ़ने आया था, उस बच्ची के घर से निकलने के बाद शाम को घर वापस नहीं पहुँची। रिपोर्ट अगले दिन उसकी की गई, गुमशुदगी दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी उस बच्ची के बारे में नहीं रह सकी। लगातार प्रयास जारी है। परिजनों ने कुछ संदेह व्यक्त किए थे कि कुछ लोग हो सकते हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की गई, लेकिन ऐसा कोई भी संपर्क अभी तक सामने नहीं आया जिससे कि बच्ची ने लगातार किसी से बात की हो। अभी इसको हल करने के लिए साइबर की मदद दी जा रही है और निश्चित रूप से इसमें तो दस्तयाब करने में जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।